अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम बात करते हैं अपनी इस वीडियो में, और जो कि हमारा जो टॉपिक है वो अगेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, हाइड्रोकार्बन चैप्टर 8। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी, स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर formed when one butene will react and one butene will react with following the agents. अच्छा जी, अब मैं आपके सामने कुछ रिएजेंट्स लिखूंगी जिनके साथ रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमने कुछ ऐसे लिखने हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने हैं जब वन ब्यूटीन रिएक्ट करेगा। वन ब्यूटीन बेसिकली चार कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा। जब वो रिएक्ट करेगा फॉलोइंग रिएजेंट के साथ, तब क्या होगा? सबसे पहला जो हमारे पास आता है रिएजेंट वो है H2 और साथ में प्लैटिनम। अच्छा जी, और साथ में क्या हो रहा है? फर्दर अगर हम बात करते हैं सेकेंड रिएजेंट की, वो हमारे पास है Br2NCCl4। अच्छा जी, थर्ड रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 OH-। दिस वन इज़ द थर्ड। अच्छा जी, अब हम किसकी बात करेंगे जी? फोर्थ हमारे पास क्या आ रहा है? जो फोर्थ वन है वो फोर्थ वन हमारे पास है HBr। फिफ्थ है जी ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ Ag सिल्वर। ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ हम लिख लेते हैं यहाँ पे HOCl। सेवन्थ है हमारे पास रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4। भाई ये जितने रिएजेंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे रिएक्शन हम ऑलरेडी अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब वन बाय वन करके हम इनको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि भाई ये हमारे पास किस तरह हम इनको फर्दर हम एक एक रिएजेंट को रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास है जी हाइड्रोजन इन द प्रोसेस ऑफ प्लैटिनम निकल जो और भी होते हैं प्लैटिनम प्लैटिनम भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिएक्शन हमारे पास सेम होता है। ठीक हो गया, क्योंकि प्लैटिनम प्लैटियम निकल इनके काम जो है रिएक्शन को स्पीड अप करवाना है, इनमें कोई फिजिकल चेंजेस लाना नहीं है, तो इनके साथ जो रिएक्शन होता है हमारे पास सेम होता है। जो फर्स्ट रिएक्शन आता है वो कौन सा है जी? H2 प्लैटिनम। हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है वन ब्यूटाइन। तो अगर हम देख लें कार्बन पे जो हमारे पास क्या आती है, वन ब्यूटाइन CH2C डबल बॉन्डेड विद CH2 एंड दिस वन इज, ये हमारे पास मैंने कंपाउंड लिख लिया वन ब्यूटीन का, सॉरी इट्स नॉट अ ब्यूटाइन इट्स अ ब्यूटीन। तो जब इसकी होगी हाइड्रोजनेशन होगी, बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन। ठीक हो गया ना, इन द प्रोसेस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो इनमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर जाएगा, और चले मैं ना थोड़ा सा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जाएगा।
ठीक है। अब इनके दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये होगा CH3 CH2 CH। नाउ इट विल बी, यस ये हमारे पास आ गया जी CH3। तो ये देखिए भाई, अगर आप देखें तो ये हमारे पास 4 कार्बन वाली अब ब्यूटीन नहीं रही, ये अब 4 कार्बन वाली ब्यूटेन बन गई है, ठीक है ना। ये जब हाइड्रोजनेशन हमने करवाई है तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। अच्छा जी, आगे जो हमारे पास एक फर्दर बात करते हैं रिएजेंट की, वो कौन सा रिएजेंट आ रहा है हमारे पास, वो है ब्रोमिनेशन होगी CCl4 की, 1-ब्यूटाइन की ना, ठीक है। आगे हमारे पास जो सेकंड रिएजेंट आता है वो है जी Br2 इन CCl4 CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड विद CH2। अगेन हमारे पास 1-ब्यूटीन और ब्रोमिनेशन जब होगी और साथ में इन प्रोसेस ऑफ CCl4। तो देखिए भाई, एक जो Br है, एक इधर इस कार्बन के ऊपर, एक Br इस कार्बन के ऊपर जाएगा और हमारे पास अगेन जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्या बनेगा, CH3 CH2 और देन CH, और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो उसमें क्या लग जाएगा, उनके साथ एक कार्बन के साथ एक Br का बॉन्ड बन गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये 1,2-डाई-ब्रोमो-ब्यूटेन, ठीक है। ये हमारे पास है 1,2-डाई-ब्रोमो-ब्यूटेन का एक कंपाउंड बन गया। अच्छा जी भाई, आगे हम अपने थर्ड रिएजेंट की बात करते हैं। जो थर्ड वन रिएजेंट है हमारे पास वो कौन सा है जी, वो है हमारे पास कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वही रिएक्शन है हमारे पास जिसमें हमारे पास OH के ग्रुप बेसिकली आ जाते हैं। अच्छा जी, आगे हम फर्दर बात करते हैं जी, किस तरह हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 OH नेगेटिव, ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है यहाँ पे। अब फर्दर हम इसको, इस रिएक्शन को लिखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड विद CH2 प्लस 2 KMnO4 प्लस, और जब वाटर की प्रेसेस में इसको ट्रीट किया जाएगा तो जो ये जो KMnO4 है बेसिकली ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद की तो रिडक्शन करवाते हैं और अगले की ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। जो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे 4 हमारे पास क्या है, तो हम जो ब्यूटीन है बेसिकली ये वाले दिस वन, अगर यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल 4 हैं तो मतलब हमें बैलेंस करने के लिए इक्वेशन में 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे 1-ब्यूटीन के, ठीक है। इस 1-ब्यूटीन के जो हैं 3 मॉलिक्यूल उसको हमें लेने पड़ेंगे। अब यहाँ से क्या होगा जी, OH बेसिकली वाटर से मिलेगा, वाटर से 2 OH यहाँ से मिल जाएंगे, तो टोटल देखिए भाई कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हम निकाल लें 4 में से हमें 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 मॉलिक्यूल के लिए कितने चाहिए टोटल, यहाँ पे हमारे पास हैं 2, 4 2s are 8 और 4 हमारे पास यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो टोटल यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक हो गया। तो 6 जो है यहाँ पे हमारे पास हमें चाहिए OH, देख लें भाई 3 मॉलिक्यूल हैं जी CH3 CH2, क्योंकि एक हर मॉलिक्यूल के साथ 2 OH ग्रुप लगे होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास होता है CH सिंगल बॉन्डेड विद CH2 एक साइड पे OH, इसी साइड पे भी, सॉरी ये देखिए भाई यहाँ पे हमारे पास मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ कि ये हमारे पास 1-ब्यूटीन थी और इसको बैलेंस करने के लिए, अगर यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसको बैलेंस करने के लिए हमें 3-ब्यूटीन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और हर एक मॉलिक्यूल में क्या होगा, कंपाउंड में जो होगा 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे होंगे और अब यहाँ पे टोटल 3 हैं,
तो जो टोटल हमारे पास 6 आने चाहिए, टोटल 3 है ना, 6 आने चाहिए हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाता है, ये कंपाउंड बन गया हमारे पास 1,2-butane-diol, ये हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर बात करते हैं, जो आगे जो बाई प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं वो 2 यहाँ पे किए हैं और पीछे जो है हमारे पास टोटल 6 हमने ले लिए, पीछे रह गए 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये के ओ एच के साथ मिलेंगे, 2 ओ एच हैं और 2 ही के हैं, तो इसको हम स्टार्टिंग में ये लगा देंगे। अब पीछे क्या रह गया, MnO2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, MnO2 रह जाएंगे। बेसिकली ऑक्सीजन यहाँ पे भी कुछ शिफ्ट हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पीछे ओ जो है, सॉरी ये जो ओ है यहाँ पे 2 रह गए, टोटल वैसे यहाँ पे 8 थे लेकिन यहाँ पे भी 4 रह गए हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंपाउंड है वो, अच्छा जी देख लिया हमने किस तरह हो गया ये, थर्ड रिएक्शन के साथ जब रिएक्शन हुआ हमारे पास फर्दर आ गया। अच्छा भाई हम इसको कंप्लीट करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएजेंट है वो क्या है भाई, वो देख लेते हैं। जो फोर्थ वन है HBr, थर्ड सॉरी फोर्थ हमारे पास जो रिएजेंट आता है वो है HBr। अब 1-butane में क्या होगा, ये बहुत ही आसान है। अच्छा जी CH3CH2CH डबल बॉन्डेड विद CH2 प्लस HBr, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका रिएक्शन करवाएंगे अब 1-butane के साथ। अब बेटा यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से Br के ऊपर जो हैलोजन्स होते हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का साइन है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का साइन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द मॉर्कोनिकोव्स रूल, अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकोव्स रूल क्या होगा, जो नेगेटिव साइड है वो उस जो अनसिमेट्रिकल अल्केन की उस साइड पे जाएगी जो कि हमारे पास क्या होगी, दिस वन अनसेचुरेशन जो स्पेशली है, जो जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और उन 2 कार्बन के दरमियान में जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे उधर नेगेटिव साइड जाएगी और उस दूसरे कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव साइड, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है तो वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। तो ये क्या बनेगा कंपाउंड, लिख लेते हैं हम यहाँ पे CH3 दिस वन CH2CH इसके साथ जाएगा Br और बॉन्ड रह जाएगा सिंगल, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन दोनों कार्बन में एक एक चीज़ की एडिशन हुई है, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे वहाँ पे अब 3 हो गए हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2-bromo-butane। ये हमारे पास हो जाती है 2-bromo-butane का, ये हमने रिएक्शन देख लिया। आगे हम अपने फिफ्थ रिएजेंट की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास फिफ्थ रिएजेंट क्या है वो देखते हैं भाई। यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, फिफ्थ वन है O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, ठीक हो गया। अच्छा जी यहाँ पे हमारे पास अगेन ब्यूटीन का जो स्टार्टिंग मटेरियल हम पढ़ रहे हैं CH3CH2CH और यहाँ पे आएगा जी डबल बॉन्डेड विद CH2 प्लस, अब आएगी यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि एक हाफ क्वांटिटी में है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड और टेम्परेचर हमारे पास होगा 300°C टेम्परेचर होगा। अच्छा बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम आएगा क्योंकि हाफ क्वांटिटी में, तो ये क्या करेगी
कि जो इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास। अब ऑक्सीजन बेसिकली, अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात करें तो वो दो बॉन्ड बनाती है, सही है। ऑक्सीजन की ये हमारे पास क्या आती है जी, वैलेंसी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंपाउंड जब एक कार्बन के साथ एडिशन होगी CH3 CH2 और साथ में CH, एक साइड पे बनेगा ऑक्सीजन का बॉन्ड। अब ऑक्सीजन बेसिकली दो बॉन्ड बनाता है तो ये दूसरे कार्बन के साथ भी क्या कर लेगी, बॉन्डिंग कर लेगी और ये इस तरह इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा ये देखें, ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बन गया है। ये ट्राई, अगर इतनी देखी जाए तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट हो गया। और साथ में क्या होता है कि इसको हम कहते हैं इथाइलीन ऑक्साइड, एपॉक्साइड बेसिकली इसका जो है दूसरा नाम है इथाइलीन ऑक्साइड। इथाइलीन ऑक्साइड का जो है हम क्या बात कर रहे हैं फर्दर इसको, कि जो ऑक्सीजन है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर हमारे पास ये रिएक्शन देती है। और साथ में हमने देख लिया कि ये रिएजेंट किस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा भाई, आगे जो हमारे पास सिक्स्थ वन है जी HOCl, ठीक है। यह है हाइपोक्लोरस एसिड्स। हाइपोक्लोरस एसिड में यहाँ पे चलें लिख देती हूँ हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक हो गया ना। अब जब इसका रिएक्शन होगा ब्यूटीन के साथ तो हम देखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड विद CH2 प्लस HOCl। अच्छा भाई, यहाँ पे बात आती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो किसका ज़्यादा है। तो याद रखिए कि जो ऑक्सीजन और Cl का जो आपस में रिएक्शन है वो क्या होता है कि अगर इनको कंपेयर किया जाए एक दूसरे के साथ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, ऑक्सीजन बेसिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, तो हम जो फ्लोरीन है उससे, जो फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा है ना जिसकी 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और उसके उससे कम अगर कोई आता है तो वो ऑक्सीजन है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी कॉज रूल नेगेटिव साइड वहाँ जाएगी, उन दो अगर जहाँ पे डबल बॉन्ड बने हैं उन दो साइड्स पे जाएगी जहाँ पे हम कहते हैं हाइड्रोजन की कमी होगी। मतलब क्या होगा कि ये जो ये वाला है ये साइड इधर जाएगी, ठीक हो गया, और जो ये वाली साइड है बेसिकली ये जो Cl इस कार्बन के ऊपर जो Cl जाएगा, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन कुछ इस तरह आता है CH3 CH2 CH और साथ में इधर OH लगा होगा। अब अगेन हमारे पास जो बॉन्ड डबल था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया और ये हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है और जिसका नाम है 1, इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, 1 क्लोरो, आगे आएगा हमारे पास 2 ब्यूटानोल, 1 क्लोरो 2 ब्यूटानोल हमारे पास क्या आ गया जी, ये कंपाउंड आ गया जब इसका हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन होता है। तो आगे हमारे पास जो एक सेवन्थ लास्ट वन जो हमारे पास आता है रिएजेंट वो क्या है जी, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब फर्दर रिएक्शन हम करवाते हैं क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट अपनी जो कुछ कन्वर्जन हमने पढ़ी थी उसमें रिएक्शन किया था। चलिए हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है जी, 1-butene CH2 प्लस, अगर हम H2SO4 को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लें लाइक HOSO3, ठीक हो गया, मतलब हमने इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लिया। अब बेटा ये देखें, अब पार्शियल नेगेटिव साइड कौन सी है, पार्शियल पॉजिटिव कौन सी है, तो हाइड्रोजन बेसिकली तो पार्शियल पॉजिटिव होगा और सिंपल सी बात है कि ये पार्शियल नेगेटिव होगी। तो अगेन अगर हम इसकी बात करें कि अब एडिशन की बात करें कि कौन किस तरह जाएगा, किस साइड पे जाएगा और कौन किस कार्बन के ऊपर जाके अटैच होगा, जो नेगेटिव साइड है याद रखें अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनी कॉज रूल अगेन हमारे पास ये कार्बन के ऊपर जो कि जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, ठीक हो गया, और ये इस साइड पे। तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो हमारे पास कुछ आता है CH3
CH2, CH, देन CH3, और यहाँ पे हमारे पास लगेगा OSO3। ओहो, यहाँ पे मैं एच लिखना भूल गई। हाँ जी, ये हमारे पास ये आ जाता है। ठीक हो गया। आगे फर्दर ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। ये हमारे पास आता है जी। अब अगेन हम यही सेकेंडरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट का जब फर्दर रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो तब हमारे पास क्या बनता है जी, CH3CH2SO3H CH3 प्लस H, और हमारे पास क्या आ जाता है OH। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास H है, ये OH है, तो ये क्या करेगा, ये अब यहाँ पे हमारे पास जो है दिस वन, ये जो H है ये इसको ट्रैक करवा के क्या बना लेगा, H2SO4 अगेन उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये H2SO4 में। और पीछे क्या रह गया, पीछे हमारे पास जो OH है वो इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और साथ में क्या बना लेंगे, सॉरी ये जो है CH3CH2CH, और साथ में यहाँ पे OH आ जाएगा और अगेन हमारे पास CH3। तो बेटा ये देखें, अगर ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 2-ब्यूटानॉल बन गया। और ये हमारे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2-ब्यूटानॉल। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एलिवेटिक हाइड्रोकार्बन का 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी थोड़ी शॉर्ट सी समरी देख लें, तो इसमें हमने क्या किया कि कुछ रिएजेंट्स देखे हैं। कुछ रिएजेंट्स में हमने बात की है कि अगर एक 1-ब्यूटीन हमारे पास जो है उसका रिएक्शन होता है फर्दर रिएजेंट्स के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आते हैं। तो अगर हाइड्रोजनेशन हमने करवाई है तो हमने देखा कि जो डबल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स थे यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ट सैचुरेशन में। जब याद रखिएगा, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का जब रिएक्शन करवाते हैं या हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। ये याद होनी चाहिए आपको बात। अच्छा भाई, तो आगे फर्दर हम जो BR ब्रोमिनेशन करवाई इन द प्रोसेस ऑफ CCl4 में, तो क्या हुआ, हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट था, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हो रहे हैं, देखें कोई भी रिएक्शन आपको डबल बॉन्डेड में जो प्रोडक्ट बेसिकली मिल रहा है, जो स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया वो तो बेसिकली हमने अनसैचुरेटेड लिया और उसमें हमने देखे डबल बॉन्ड है, लेकिन जो बनने वाला प्रोडक्ट देखा हमने उसमें कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड नहीं रहा। अब क्या हुआ कि सारे के सारे जितने भी रिएजेंट्स यूज हुए हैं उसने क्या कर दिया, उन्होंने सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट किए हैं। अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन जब हुई है तो हमारे पास 1,2-डाइब्रोमो ब्यूटेन आ गया। थर्ड वन रिएजेंट में कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का रिएक्शन हुआ है, और इसका जब रिएक्शन हुआ है तो भाई हमारे पास क्या आया, ये 1,2-ब्यूटेन डाईओल आ गया। अच्छा जी, और हैलोजन एसिड्स हैं बेसिकली ये HBR। कुछ ऐसे रूल्स हमने देखे हैं जिसमें मार्कोनिकॉस रूल बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है उसकी बेस के ऊपर रिएक्शन, अगर एक दफ़ा मार्कोनिकॉस रूल की समझ आ जाती है आपको तो रिएक्शन आपके लिए करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये HBR के साथ हमने देखा रिएक्शन, तो हमने कहा कि जो नेगेटिव साइड है, जो जहाँ दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बना हुआ है, नेगेटिव साइड वहाँ पर जाएगी जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होगी। तो हमने कहा कि जो BR है वो उधर जाके अटैच हुआ जहाँ पर हाइड्रोजन की ऑलरेडी डेफिशिएंसी थी, और जो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव पार्ट था वो टर्मिनल कार्बन के पास, अगर इस केस में देखा जाए तो यहाँ पे टर्मिनल कार्बन के पास क्या है, और ये रिएक्शन 2-ब्रोमो-ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, फिफ्थ रिएजेंट की अगर बात करते हैं हम, तो फिफ्थ रिएजेंट क्या है जी, ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ सिल्वर। तो ये जो है बेसिकली ब्यूटेन का जब रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी हाफ है एक्चुअली। तो क्या होता है, यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड की प्रोसेस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे,
और हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो एपॉक्साइड है, वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एक बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो वो दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहता है और डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। आगे फर्दर हाइपोक्लोरस एसिड के साथ जब रिएक्शन हुआ, वही वाला रिएक्शन जैसे हमने हैलोजन एसिड के साथ किया था, उसी तरह उसी सिनेरियो के साथ अकॉर्डिंग टू द मॉर्गनी पॉज रूल हमारे पास जो रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू ये होगा। तो हमने देखा कि ये अकॉर्डिंग टू द मॉर्गनी पॉज रूल जो नेगेटिव साइड है वो हमेशा वहाँ पे गई है जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, और फर्दर हमारा ये रिएक्शन 1-chloro-2-butanol में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट। अच्छा जी, 7th द लास्ट वन है, और जो हम याद रखिएगा आप, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इथेन का जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का एक प्रोडक्ट बनता है। तो सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या बना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हमने पढ़ के जो आए हैं रिएक्शन बुक में वो दो कार्बन वाला है, लेकिन जो यहाँ पे हमने पढ़ा है यहाँ पे बस चार कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन की चेन है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन बन जाता है। फर्दर जब इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल का एक प्रोडक्ट और H2SO4 हमारे पास बन के निकल जाती है। अच्छा भाई, यहाँ तक हमने अपना टॉपिक 16 क्वेश्चन कवर कर लिया, आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा नेक्स्ट कन्वर्जन का उसकी तरफ देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए और केमिस्ट्री को इस तरह पढ़ते रहें, और इंशाल्लाह आप जो हैं अपनी तैयारी को अच्छे रखें, और सो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।